पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली गुलाबबाड़ी सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की दसवीं की छात्रा संस्कृति ठाकुर ने 600 में से 585 अंकों के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। संस्कृति ठाकुर शुरू से ही पढ़ने में अव्वल रही है, हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती आई है। संस्कृति ठाकुर ने अंग्रेजी में 100 में से 100 अंक और गणित और साइंस में 99 और हिंदी में 98 अंक प्राप्त किए हैं। संस्कृति ठाकुर का कहना है कि माँ का सपना IAS बनकर पूरा करूँगी, लेकिन इससे पहले 12वीं कक्षा में भी प्रदेश की सूची में अपना स्थान बनाना चाहती हूँ, इसीलिए अभी 12वीं की पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। सर, मैं तो यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। किस तरह से मेहनत की थी और क्या हासिल किया है? सर, मेहनत तो बहुत की थी, दिन रात जाकर की थी, और फैमिली में मेरी मम्मी मुझे बहुत ही सपोर्ट करती हैं। सर, कोविड में तो बहुत सबको ही परेशानी हुई थी, बट अगर हम चाहते तो हम घर पर रहकर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते थे, और जो हमने की थी। सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होता है सब अच्छा ही होता है। अगर आप एक बार फेल होंगे, लेकिन दूसरी बार आप ज़रूर सफलता प्राप्त। नोट्स तो हमेशा प्रिपेयर करके रखने ही होते थे, और देन कोचिंग्स भी ली थी, और बाकी सेल्फ स्टडी भी बहुत मेन थी। संस्कृति ठाकुर की माता 3 साल पहले आयुष इंटर कॉलेज दलपतपुर में पढ़ाती थी, लेकिन अब घर पर ही हैं, ट्यूशन और सिलाई करके अपनी तीनों बेटियों सिमरन राणा, छोटी बेटी इशिका और सबसे छोटी बेटी संस्कृति ठाकुर को पढ़ाया है। देखिए, मैं बहुत प्राउडली फील कर रही हूँ कि बेटी ने दूसरा स्थान अचीव किया है, यूपी में दूसरी पोजीशन हासिल की है उसने। लेकिन मुझे उसका पहले की ही उम्मीद थी, जिस तरह से उसकी प्रिपरेशन थी, वो रात में भी दिन में भी पढ़ती ही रहती थी, और मैं उसके संग बराबर जगती भी रहती थी, और मैंने घर में भी अपनी दोनों बेटियों को डायरेक्शन दे रखी थी कि इसको अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो पहले इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाद में आप लोग कुछ करोगे, चाहे कितना भी कंपल्सरी आपका वर्क हो, इसकी प्रॉब्लम पहले सॉल्व होनी है। और एग्ज़ाम टाइम में तो आपको बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना है, हम लोग एग्ज़ाम टाइम में भी सब जगह जाना अवॉइड करते हैं, कहीं नहीं जाते आते, और घर का माहौल भी हम लोग मतलब को रखते हैं कि ताकि बच्चे की एक्टिविटीज़ पता चलती रहें, बच्चा कहाँ डील कर रहा है, कहाँ पर थोड़ा लूज़ हो रहा है, कहाँ पर उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। और बाकी तो आपने उसने तैयारी की है, उसका नतीजा आपने देखा ही है। सिमरन राणा इग्नू से MSc कर रही हैं और इशिका ने BSc तक की पढ़ाई की है। प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही संस्कृति ठाकुर ने सेल्फ स्टडी पर बहुत ध्यान दिया, कोई प्रॉब्लम आने पर उन्होंने दोनों बड़ी बहनों से सपोर्ट लेकर पढ़ाई की। हाई स्कूल में आने पर उन्होंने गणित और विज्ञान की ट्यूशन पढ़ी। संस्कृति ठाकुर को न्यूज क्रिकेट देखना बहुत पसंद है। सर, मैं कहना तो यही चाहती हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि उसने यूपी में सेकेंड नंबर पे गेन किया है प्लेस, और तैयारी उसने ऐसे की थी कि वो डेली का डेली पढ़ती थी, मतलब छोड़ती नहीं थी कुछ, ऐसा नहीं था कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिर्फ रिवीजन रहता है, और जो आपने पूरे साल पढ़ा है उसका सिर्फ एक कंक्लूजन रहता है। अभी उसे कोई प्रॉब्लम होती थी वो उसको बचा के नहीं रखती थी फ्यूचर के लिए कि हाँ देखा जाएगा आगे ये होगा, वो हमेशा ये था कि एट द मोमेंट उसको सॉल्व करती थी, हमारी हेल्प ले या फिर किसी टीचर को कॉल करे, तो वो एंड टू एंड कंप्लीट करके चलती थी जो भी। इस दौरान सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के समस्त स्टाफ ने संस्कृति ठाकुर का जोरदार स्वागत किया और फूल मालाएं पहना कर तथा मिठाई खिलाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। ये जो है क्लास में और बच्चों से बहुत अलग है, मतलब कुछ भी दो है कंपटीशन में, इनको हर चीज़ में ब्रिलियंट थी, चाहे हमारे स्कूल में 15 अगस्त का, 26 जनवरी का कुछ भी प्रोग्राम होता था उसमें भी डांस करना, सिंगिंग करना, क्लास में कंपटीशन होते हैं, पोस्टर प्रतियोगिता या कुछ और होता है उसमें भी ये बहुत ही एकदम ब्रिलियंट थी, हर चीज़ में फर्स्ट ही रहती है। पढ़ाई की बात करें तो किस तरीके का इनके किस तरीके से पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी, मैं ज़्यादा से मोटिवेशन देती रहती थी, मैंने कहा बेटा पढ़ लो, हो सकता है तुम आगे बढ़ जाओ, तो इसलिए काफ़ी गाइडेंस रहता था इसका। किस तरह की खुशी है क्योंकि आपकी स्टूडेंट हैं आप उनकी? मुझे तो सच्ची बताऊँ, मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मेरा दोबारा 10th हो गया है, मैं यहाँ बोल रही थी स्कूल में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही रिजल्ट आ गया 10th का अगेन। पब्लिक टीवी
आपकी आवाज़।